हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। आज जो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड है और मृदा जीवांश पदार्थ है। पीछे वाली क्लास में जो अपन ने बात की है वो जीवांश पदार्थों के बारे में बात करते हुए उनमें पाए जाने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थों के साथ साथ उनके संगठन की बातें करते हुए अपन ने बात किया था, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया को समझा था। आज अपन जो बात करने वाले हैं मृदा पदार्थों का जो विच्छेदन होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ कारक मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उन कारकों को आप देखिए कौन कौन से कारक हैं। मोटे रूप से अपन देखें तो पादपों की प्रकृति एक एक अपन विस्तार से देखने वाले, मृदा की नमी, मृदा की वायु, मृदा में तापमान, मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात ये कितना होता है ये प्रभावित करता है, और पीएच क्या है, पीएच ये वाला बड़ा फैक्टर काम करता है, पीएच पैमाना है ये वाला, अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा पीएच, उसकी बातें करेंगे। और पोषक तत्व मोस्टली अपन देखिए 6 से 7 अपने पास में ऐसे कारक हैं जो डायरेक्टली मृदा के जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब एक एक को अपन विस्तार से देखने वाले हैं कौन सा कैसे रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं पादपों की प्रकृति, पादप जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए आप, मैं कह रहा हूँ मेरे पास में एक छोटा प्लांट है, कैसे छोटा प्लांट है, छोटा पौधा है, एक मेरे पास में बड़ा पौधा है, तो आप बताइए मुझे कौन से वाला जल्दी टूटेगा, कौन से का जल्दी अपघटन हो जाएगा, बड़े वाले पौधे का या छोटे वाले पौधे का। नॉर्मल सी बात है भाई, छोटा होगा तो जल्दी टूटेगा, जल्दी विच्छेदन शो करेगा, क्योंकि उसकी अपरिपक्व है, कैसा ये अपरिपक्व प्रवृत्ति का होता है। इसका मतलब इस वाले में शर्कराएं वगैरह जो होती हैं वो कम मात्रा में पाई जाएंगी, सेलुलोज भी क्या होगा नगण्य मात्रा में अपने को मिलेगा। जैसे ही प्लांट क्या हो गया, बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, कैसा हो गया परिपक्व हो गया है। जैसे एक छोटा बच्चा है उसको अपन कैसे भी पीट लें फटाफट से रोने लग जाएगा, एक आप जैसे उनको पीट आ जाए इसका मतलब क्या हो गया, बड़े हो गए आप, बड़े प्लांट में आ गए, अब इसका मतलब परिपक्व हो गए आप, क्या हो गए मैच्योरिटी आ गई इसके अंदर, अब क्या होगा थोड़ा समझदारी के साथ सोचना पड़ेगा कि इसको पीटे या नहीं पीटे, समझ गए बातें। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। पादपों की प्रकृति कैसी है, पादप छोटे हैं बड़े हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर छोटे प्लांट हैं तो विच्छेदन क्या होगा इसका, तीव्रता के साथ में तेज होगा, यानी फास्टली टूट जाएंगे, तीव्रता से होगा। बड़ा प्लांट है तो क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा, इसका विच्छेदन क्या होगा, धीरे धीरे होगा, इसका क्या होगा, तेज तेज विघटन होगा। तो पादपों की प्रकृति भी इसको आकार प्रभावित करता है। ओके, दूसरा अपने पास में जो कारक है कौन है, मृदा की नमी। नमी का मतलब पानी की उपस्थिति, मृदा जल जो लगभग 25% कितना होता है, 25% जो होता है जल होता है, मृदा वायु अपन ने पढ़ा था। अब ये मृदा जल होता है अपने पास में, ये मृदा जल जो है मृदा नमी के रूप में रहता है, किस रूप में रहता है, मृदा की नमी के रूप में रहता है। अब मृदा की जो नमी होती है दो टाइप की मृदा होगी, शुष्क मृदा होगी और एक ऐसी होगी नमी वाली मृदा होगी, आर्द्र मृदा, इसको अपन कहते हैं आर्द्र मृदा। इसका मतलब है अगर मृदा में एक निश्चित मात्रा तक पानी रहता है तो वो वाली मृदा है उसको तोड़ना क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर इसमें मृदा की मात्रा में अगर शुष्कता बढ़ती है, क्या बढ़ जाती है, शुष्कता बढ़ती है, तो तोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर शुष्कता की मात्रा ज़्यादा है तो उसको तोड़ना क्या होगा, शुष्कता अगर अपन देखें तो अगर मिट्टी है, सूखी मिट्टी का ढेला आपके पास में है तो वो काफ़ी परिपक्व होता है, अगर उसको अपन क्या करें हल्का सा उसके अंदर पानी डाल दें तो क्या हो जाएगा, उसमें नमी आ जाएगी। अब जब नमी आ ही गई उसके अंदर, अब तोड़ना क्या हो जाएगा उस मिट्टी को, आसान हो जाएगा, जैसे पानी डालेंगे हल्का सा दबाएंगे वो टूट जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे नमी बढ़ती है एक मात्रा तक नमी बढ़ने तक, नमी की मात्रा बढ़ने पर विघटन की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब हो गया मृदा में अगर नमी की मात्रा एक निश्चित लेवल तक पाई जाती है तो मृदा का विच्छेदन क्या होता है, आसान हो जाता है, जीवांश पदार्थ को आसान से तोड़ सकते हैं मृदा की। ये मृदा वायु, मृदा में जो वायु होती है लगभग कितनी होती है, 25% होती है, और जो मृदा वायु जितना ज्यादा होगा, मृदा वायु में कौन कौन सी गैसें आती हैं आपको याद होगा, नाइट्रोजन गैस है, O2 है, इसकी उपस्थिति है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मुख्य रूप से, ये अपन ने देखा था मृदा के अंदर CO2 N2 वगैरह पाई जाती है। मृदा में जितनी वायु की मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा में है, CO2 की मात्रा अगर बढ़ रही है, CO2 की मात्रा अगर बढ़ रही है तो जीवांश पदार्थ का विच्छेदन भी क्या होगा, तीव्रता के साथ में होगा। इसका मतलब क्या होगा, वायु की उपस्थिति भी जरूरी होती है, वायु की अनुपस्थिति में मिट्टी नहीं टूटती है,
जैसे जैसे वायु की उपस्थिति बढ़ती जाएगी मिट्टी के टूटने के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसका मतलब जीवांश पदार्थों का विच्छेदन भी क्या होगा, तीव्रता के साथ में होगा। मृदा का तापमान, मृदा का जो तापमान होता है, अगर मृदा का तापमान अपन बढ़ाएंगे, मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ेगा, एक तो कम तापमान रहे, ठंडी मिट्टी गर्म मिट्टी कौन जल्दी टूटती है भाई, गर्म वाली जो मिट्टी होती है वो जल्दी यहाँ से टूट जाती है। इसका मतलब रेगिस्तानी वाली जो मिट्टी होती है, गर्म होती है, वो तीव्रता से उठ के चली जाती है, दूसरे स्थान के ऊपर चली जाती है। ठंडे प्रदेशों में जो मिट्टी होती है वो जल्दी से नहीं उड़ करके चली नहीं जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, मृदा का तापमान कितना है, अगर मृदा का उचित तापमान की बात करें, अगर मृदा का टेम्परेचर 20 डिग्री से कम है तो वो क्या होगी, आसानी से विच्छेदित नहीं हो पाएगी। इसके लिए उपयुक्त तापमान है 30 से 40 डिग्री का अगर टेम्परेचर है तो ये मृदा विच्छेदन के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। कितना, 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर मृदा विच्छेदन के लिए सबसे बेस्ट होता है। समझ गए बातें। दूसरा अपने पढ़ा था कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, यानी कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है कार्बन नाइट्रोजन का, वो मिट्टी में कितना होता है, ये भी क्या करता है, मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करता है। अगर इसकी मात्रा कार्बन नाइट्रोजन की अनुपात की मात्रा अगर बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर, इसकी मात्रा बढ़ती है तो मृदा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ओके, ये क्या हो जाएगा, अगर इसका अनुपात बढ़ता है तो विच्छेदन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अपने पास एक फैक्टर है पीएच। पीएच जो होता है ये मोस्टली कैसे प्रभावित करता है, मिट्टी जो होती है वो कैसी होती है, उदासीन प्रवृत्ति की हो सकती है, अम्लीय हो सकती है, या क्षारीय प्रवृत्ति की हो सकती है। अगर मिट्टी उदासीन प्रवृत्ति की है, कैसी है, उदासीन प्रवृत्ति में, इसका मतलब इसका पीएच आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पीएच। और जो पीएच होता है, अगर पीएच का मान कितना होता है भाई, 7 होता है। कितना होता है पीएच का मान, अगर 7 होता है, ये हाइड्रोजन को मापने का एक इकाई होता है, हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने की इकाई क्या कहलाती है, पीएच कहलाता है। कितने एच प्लस आयन पाए जाते हैं, धनायन कितने पाए जाते हैं हाइड्रोजन की, उसको मापने की इकाई क्या है, पीएच। मिट्टी में कितना पीएच हो सकता है, ये तो टाइप से होता है पीएच, इसके ऊपर आगे बातें करेंगे पीएच होता कैसे। उदासीन प्रवृत्ति का अगर है, पीएच का मान 7 होता तो उदासीन कहलाएंगे, 7 से कम अम्ल कहलाएगा, 7 से ज्यादा है तो क्षार कहलाएगा। अगर उदासीन प्रवृत्ति की मिट्टी है, पीएच का मान 7 है, तो उसको तोड़ना, जीवांश पदार्थ इसमें तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान होगा। अगर अम्लीय क्षारीय मिट्टी है तो तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। समझ गए बातें, ये पीएच प्रभावित करता है। और लास्ट वाला टॉपिक अपने पास में इसमें बचा है पोषक तत्व। अरे मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा रहेगी तो तोड़ना आसान है क्या, उसको तोड़ना क्या होगा, आसान नहीं रहेगा। अगर मिट्टी के अंदर अपने पास में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज की मात्रा अगर बढ़ गई है, मिट्टी में ज्यादा हो गई है, तो उसको तोड़ना क्या होगा, आसान नहीं होगा। अगर मिट्टी के अंदर अकार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम धातुएं ज्यादा है, तो उसको तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पोषक पदार्थों की अगर कमी है मिट्टी के अंदर तो वो आसानी से टूट जाएगी, पोषक पदार्थों की मात्रा ज्यादा तो आसानी से नहीं टूटने वाली। ओके, तो स्टूडेंट्स अपन ने देखा यहाँ पर मुख्य रूप से जीवांश पदार्थों के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने को पता होना चाहिए, कौन कैसे नॉर्मली अपन खुद भी देख सकते हैं कौन से कारक होंगे जीवांश पदार्थ को तोड़ने में काम करते हैं। ये अपने पहले देखा था मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक आते हैं, ये भी अपने चट्टानों को तोड़ने वाले अपन ने पढ़े थे, सेम वही उसी की तरह है। पादपों की प्रकृति कैसे होना, छोटा बड़ा होना चाहिए, देख लीजिए एक बार, मृदा नमी क्या होनी चाहिए, 25% से कम है तो शुष्क मृदा होगी, उससे ज्यादा है तो आर्द्र मृदा होगी, लगभग इसके आसपास पाए जा रहे टूटने का होगा आसान होगा। मृदा में वायु की मात्रा 25% से ज्यादा कम होने पर विच्छेदन पर प्रभाव पड़ता है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ेगा तो ये क्या होगा, विच्छेदन भी बढ़ जाएगा। दूसरा पीएच का जो मान होता है, मिट्टी उदासीन प्रवृत्ति की मिट्टी होती है तो आसानी से टूट जाती है, अगर अम्लीय क्षारीय होती है तो आसानी से नहीं टूटती है। जैविक पोषक तत्व तो अगर बढ़ जाते हैं मिट्टी के अंदर तो तोड़ना क्या होगा, उसको आसान होगा, पोषक तत्व कम हो जाते हैं आसान नहीं होगा। ये बातें अपन ने यहाँ पर की है, ये है जीवांश पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये अपना टॉपिक था जीवांश पदार्थ क्या है, कौन कौन से संगठन होते हैं, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कैसे होता है, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नेक्स्ट वाले अपने वीडियो हैं उसके अंदर अपन बात करेंगे कि नए जो अपने पदार्थ हैं कार्बन चक्र नाइट्रोजन चक्र होते हैं वो किस प्रकार से संपन्न यहाँ पर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।